देश में बढ़ती हुई महंगाई और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर शनिवार को महिला जिला कांग्रेस कमेटी ने मिशन चौक पर सिलेंडर उठाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा। महिलाओं ने कहा कि आज सब लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, खासकर महिलाएं इससे जूझ रही हैं। रसोई गैस के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और खाद्य पदार्थ भी महंगे हैं। ऐसे लेकर आज हम महिला कांग्रेस रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। एक तरह से आप दे रहे हैं और दूसरी तरफ से एक तरीके से डाका मार रहे हैं कि आदमी को खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। हरे त्योहार में होली में 50 रुपए और आपने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिया। गैस सिलेंडर का दाम 1130 और 1150 में जो सिलेंडर हमको मिल रहा है, वो सिलेंडर आदमी खाएगा क्या और बनाएगा क्या, ऐसी स्थिति है। उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। आप लोग देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से निरंतर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महिमा मंडल में कोई कमी नहीं है। इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी क्या खाएगा। क्या नाम है आपका? मैं रजनी वर्मा, जिला अध्यक्ष शहर महिला कांग्रेस।